रविवार को उत्तराखंड के मसूरी में हुए एक सड़क हादसे में मसूरी से देहरादून जा रही बस खाई में जा गिरी। बस में कुल 36 लोग सवार थे, जिनमें 17 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी लोगों को सकुशल बस से बाहर निकालकर घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया है। हालांकि खराब मौसम में बारिश के चलते पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम को बचाव कार्यों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी मुश्किलों के बावजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर एक बस मसूरी से देहरादून के लिए रवाना हुई थी। जब यह बस देहरादून रोड पर ITBP के निकट पहुंची तो अचानक ही अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस हादसे की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया तथा आनन फानन में पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम यात्रियों को रेस्क्यू करने हेतु घटनास्थल की ओर रवाना हुई तथा रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। हालांकि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू के कार्य में लगी टीमों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सारी परेशानियों के बावजूद टीम द्वारा सभी यात्रियों को सकुशल बस से बाहर निकालकर घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।